नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, इस समय दो म्यूचुअल फंडों द्वारा एनएफओ लॉन्च किया गया है। एक एनएफओ लॉन्च किया गया है आईटीआई म्यूचुअल फंड द्वारा और दूसरा एनएफओ लॉन्च किया गया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा। ये दोनों फंड मित्रों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं। जो आईटीआई म्यूचुअल फंड द्वारा है मित्रों, वो 27 जनवरी को खुला हुआ है और जो आईडीएफसी वाला है वो कल से यानी 3 फरवरी से खुलेगा। तो आइए हम इस फंड के बारे में जानते हैं, ये फंड किस प्रकार का है और क्या इसको करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों कि इस समय स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पे मौजूद है। यदि आप स्मॉल कैप को देखेंगे मित्रों, तो एक तरफ निफ्टी के देखेंगे तो निफ्टी और से जो सेंसेक्स है, जो लार्ज कैप के इंडेक्स हैं, वो अपने उच्चतम स्तर के आसपास है। निफ्टी का जो सबसे उच्चतम स्तर 12,400 कुछ है, उससे अभी हाल ही में करेक्ट होकर के 11,900 कुछ पे चल रहा है, यानी 500 पॉइंट नीचे है और यही दशा लगभग सेंसेक्स की है। अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यदि वहीं आप स्मॉल कैप कैटेगरी में चले जाएं तो आपको अलग फिगर मिलेगा। निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे मित्रों तो लगता है जैसे मार्केट हमेशा हाई पे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो निफ्टी और सेंसेक्स है मित्रों, वो कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों की वजह से भाग रहा है, जबकि बहुसंख्यक जो शेयर्स हैं अभी भी निगेटिव है। अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, उनको अभी प्राप्त करना है, लगातार नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें मित्रों, तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो है हमेशा से आकर्षक रहा है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप बड़ी बड़ी कंपनियों का मूल्यांकन करें जो आज के डेट में लार्ज कैप है, तो कभी न कभी ये कंपनियां जो थी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां थी, जो धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता हुआ वैसे वैसे वो कंपनियां लार्ज कैप हो गई। तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षक होते हैं। जैसे जैसे कंपनियों का बिजनेस बढ़ता है, इनके शेयर्स उससे भी कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो हमें अपने निवेश का जो एक हिस्सा है स्मॉल कैप कैटेगरी में अवश्य रखना चाहिए मित्रों। लेकिन स्मॉल कैप तभी रखना चाहिए जब निवेश का जो नज़रिया हो वो लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म से हमारा आशय हो कम से कम 5 से 7 साल हो। यदि 5 से 7 साल नज़रिया नहीं है मित्रों, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, स्मॉल कैप जो है इसमें बड़े आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निफ्टी जो है अपने उच्चतम स्तर पर है, सेंसेक्स भी अपने उच्चतम स्तर पर है, निफ्टी अभी भी अपने उच्चतम स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि हम बात करें मित्रों तो निफ्टी की, सॉरी स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें मित्रों, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फ्राइडे के जो बंद हुआ है, बजट के दिन, सॉरी सैटरडे के दिन जो बंद हुआ है, वो 6,057 पर निफ्टी 100 बंद हुआ है। और यदि आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 6,822 है, जो कि 15 अप्रैल 2019 को बना था। देखा जाए तो सीधे सीधे लगभग 10 महीना हो गया है। और यहाँ से देखा जाए मित्रों तो 800 पॉइंट नीचे है, जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12% 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि वही आप इसके उच्चतम स्तर को देखेंगे, स्मॉल कैप के उच्चतम स्तर, यदि स्मॉल कैप के उच्चतम स्तर को देखेंगे मित्रों, तो जो स्मॉल कैप का उच्चतम स्तर है वो 12 जनवरी 2018 को बना था। कितना बना था? 9,656। और इस समय ट्रेड कितना कर रहा है? 6,057 रुपये। सीधे सीधे देखा जाए मित्रों तो सीधे सीधे 3600 नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो -50% ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी को यदि आप देखें, निफ्टी जो लॉन्ग टर्म लार्ज कैप का शेयर है, तो
तो इसका जो उच्चतम स्तर है वो 12,430 है और इस समय निकले कर रहा है 11,950 के लगभग है। तो कितना नीचे है आप देखेंगे तो 500 पॉइंट नीचे है। कितना गैप है परसेंटेज के साथ देखेंगे तो मुश्किल से 4%। अर्थात ये जो 50% है, ये जो 4% है, ये गैप भरेगा। तो जब भरेगा मित्रों तो स्मॉल कैप के रिटर्न सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे बढ़िया रिटर्न आएगा। एक तो ये कारण है कि स्मॉल कैप अभी भी लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा लेवल ये है मित्रों कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए और मौजूदा समय में सितंबर महीने से जैसे कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती हुआ है तब से आप देखेंगे कि मार्केट के कई शेयरों में हलचल दिखने लगी है। यदि आप एक महीने के दो महीने के आंकड़े उठा करके देखेंगे मित्रों तो इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप यानी निफ्टी के इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। जहां निफ्टी का जो रिटर्न मुश्किल से 3 या 4% रहा महीने दो महीने के अंतराल पर, इसका 12% रिटर्न रहा और तमाम स्मॉल कैप स्टॉक्स में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार स्मॉल कैप यहां से भी खरीदने के लायक बनता है। लेकिन क्या हमें खरीदना चाहिए? जो ये NFO आया है इस NFO में हमको पैसा लगाना चाहिए? आइयो हम उसकी विवेचना करते हैं। तो जो पहला फंड है वो फंड है ITI स्मॉल कैप फंड। और ये जो फंड है मित्रों ये फंड लॉन्च हो रहा है 27 जनवरी को ओपन है, 27/1/20 से जो खुला रहेगा 10 फरवरी तक। मिनिमम इसमें 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया सकते हैं और SIP यदि करना चाहते हैं तो 1,000 की SIP किया सकता है। ये 65% जो पैसा है वो स्मॉल कैप में डालेंगे, शेष जो 35% बचता है वो डेब्ट या लार्ज कैप मिड कैप सेगमेंट में डालेंगे। और यदि आप IDFC वाले को देखते हैं तो IDFC वाला फंड जो है IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड है। और ये फंड कब लॉन्च हो रहा है मित्रों? ये लॉन्च हो रहा है 3 फरवरी 2020 को, तो चलेगा 17 फरवरी 2020 तक। इसमें भी आप देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया है, SIP यदि आप करना चाहते हैं SIP 1,000 का है। और दोनों ओपन एंडेड फंड है, रेगुलर डायरेक्ट दोनों में विकल्प मौजूद है, दोनों को कभी भी खरीदा जा सकता है इस समय इस ड्यूरेशन में। लेकिन मित्रों स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड इससे बेहतर और इससे पुराने हैं। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि इस NFO में या इन दोनों NFO में लगाने से पहले पुराने फंडों को देख लेना चाहिए। पुराने फंड उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका पोर्टफोलियो क्लियर है, उनके फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस परखा जा चुका है, तो इनसे ज़्यादा सही उन पुराने फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन फंडों में निवेश से पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए तब सही होगा। ITI म्यूचुअल फंड की बात करें मित्रों तो अभी ये नया म्यूचुअल फंड है, मुश्किल से ये 7 फंड लॉन्च किया हुआ है, ये 7वां फंड है। IDFC को आप देखेंगे तो IDFC के जो फंड मैनेजर्स हैं उन फंड मैनेजर की जो स्कीम बाकी जो स्कीम्स हैं वो अंडर परफॉर्मर रही है। हम यदि बात करें इनकी जो ITI म्यूचुअल फंड है तो ITI के जो फंड मैनेजर है मित्रों दो फंड मैनेजर द्वारा इसको
फंड मैनेज किया जाएगा। पहला फंड, पहला मैनेजर है मित्रों जॉर्ज हेबर जोसेफ है और दूसरा है प्रदीप गोखले। जॉर्ज जोसेफ की बात की जाए मित्रों तो इनके पास लंबा अनुभव है, पहले भी कई फंड मैनेज कर चुके हैं, ICICI में, आदित्य बिरला ग्रुप में काम कर चुके हैं, चोलामंडलम फाइनेंस में काम कर चुके हैं, विप्रो में भी काम कर चुके हैं, इससे पहले वो CA का कोर्स कर चुके हैं। और यदि आप देखेंगे ICICI फंड के तो ICICI में जो मल्टी कैप फंड होता है इसको ये चला चुके हैं। और ITI म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो ITI लिक्विड फंड, ITI मल्टी कैप, ITI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ITI आर्बिट्राज फंड, जैसे कई फंड को ये मैनेज करते हैं। यदि आप प्रदीप गोखले की बात करेंगे तो ये भी जो है बाय प्रोफेशन CA है, इससे पहले टाटा AMC में, बॉम्बे डाइंग में काम किए हुए हैं, इनके पास भी 23-24 सालों का लंबा अनुभव है। ये टाटा के लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इंडिया सेविंग फंड और हाइब्रिड फंड लॉन्च किए हुए हैं। और ITI में मल्टी कैप और लॉन्ग टर्म ITI फंड को ये मैनेज करते हैं। तो अभी सभी फंड नए हैं मित्रों और इनको परखना बाकी है। अभी इन फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस इस फंड हाउस में भी देखना बाकी है, तो जब तक इनका कुछ परफॉर्मेंस सामने न आ जाए पैसा नहीं लगाना चाहिए। और यदि आप IDFC फंड की बात करें मित्रों तो IDFC फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो है फंड मैनेजर मित्रों अनूप भास्कर। इनका जो MBA फाइनेंस है, इससे पहले वो देखेंगे तो UTI AMC में काम कर चुके हैं, सुंदरम फाइनेंस में भी काम कर चुके हैं, फ्रैंकलिन में भी काम कर चुके हैं, सुरम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी काम कर चुके हैं, मल्टीपल अनुभव है। इनके द्वारा जो फंड मैनेज किया जाता है IDFC में, IDFC कोर इक्विटी फंड, IDFC मल्टी कैप, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड, IDFC हाइब्रिड फंड, IDFC इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और IDFC इक्विटी अपॉर्चुनिटी सर्विस फंड, इस तरह से इन्होंने कुल मिला के 6 फंड ये मैनेज करते हैं और सभी के सभी फंड अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्मेंस दिया है। इस प्रकार यह भी फंड निवेश लायक उतना सही नहीं है जब तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड सामने नहीं आ जाता है। दूसरी बात करें मित्रों, यदि हम इसमें न करें तो इस माल के प्रति क्लिक किए अच्छे फंड कौन से, किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट में तो कई फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो निवेश लायक सबसे अच्छा फंड है वो है SBI स्मॉल कैप। सबसे अच्छा फंड SBI स्मॉल कैप। उसके बाद यदि देखना चाहते हैं मित्रों तो एक्सिस स्मॉल कैप है। इसके बाद देखना चाहते हैं मित्रों तीसरे नंबर पर DSP का इस मार्केट फंड है। चौथे नंबर पर बात करेंगे मित्रों तो निप्पन स्मॉल कैप फंड, जो रिलायंस की पहले कंपनी थी। और भी बात करें तो HDFC का भी स्मॉल कैप फंड है मित्रों। ये सभी फंडों की परफॉर्मेंस इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है, 10-10 साल पुराने फंड हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वेल जांचा परखा हुआ फंड है। तो स्मॉल कैप में पैसा लगाना है तो इनमें से किसी एक फंड में पैसा लगाया जा सकता है। तो मित्रों उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। यदि आपको मेरे माध्यम से निवेश करना है म्यूचुअल फंड में तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां से एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन लोड करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो टिप्पणी करेंगे, हमारे तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।